बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत, आज मैं आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेथड बताऊंगी कि अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि हमें करने होंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो आइडेंटिफाई और सिलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक है। उसके बाद है फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, और टॉपिक सेलेक्ट करना मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वो है कि डिज़ाइन रिसर्च मेथडोलॉजी। यहाँ पर हम रिसर्च मेथडोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज़ करेंगे। मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक बताए थे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कौन सा टॉपिक हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, हिस्टोरिकल होगी, कोरिलेशनल होगी, एथनोग्राफिक होगी और मिक्स मेथड होगी। हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे हम थर्ड स्टेप पर यहाँ पर फाइनल कर लेंगे। उसके बाद है डेटा कलेक्शन। जिस किस्म का हमारा रिसर्च मेथड होगा उसी हिसाब से हम डेटा भी कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट तरीके हैं। हम सर्वे का तरीका यूज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशन होगी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड एनालिसिस को हम देखेंगे या उसको हम जो है वो परखेंगे कि जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको उससे हम किस तरह नतीजा निकाल सकते हैं, ये हिस्टोरिकल रिसर्च में होगा। इंटरव्यूज़ होंगे जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च या एथनोग्राफिक रिसर्च में शामिल होता है, और हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हवाले से ताकि हम डाटा कलेक्ट कर सकें। तो ये था फोर्थ स्टेप। उसके बाद फिफ्थ है एनालाइज डाटा। जो डाटा हमें डाटा कलेक्शन के जरिए मिल जाता है जब हम डिफरेंट किस्म के टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम उस डाटे को एनालिसिस करते हैं, उस डाटे को एनालिसिस करके किसी नतीजे तक पहुँचते हैं और रिजल्ट जो है वो हम रिपोर्ट करते हैं जो कि थीसिस के फॉर्म में होते हैं। जब हम थीसिस का राइटअप करते हैं तो वो हम रिजल्ट दे रहे होते हैं कि ये नतीजा निकला है। तो ये बेसिक और मेन स्टेप्स हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए। अब मैं इन मेन स्टेप्स के हवाले से सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड का बताऊंगी, उसका टॉपिक भी बताऊंगी और कहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इन रिसर्च मेथड्स के हवाले से कुछ चेंज आ सकती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो टॉपिक है जिसकी एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एन एग्जामिनेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। हम मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं जो कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर इस्तेमाल करते हैं। सेम जो मेन मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, बेसिक स्टेप्स बताए हैं रिसर्च मेथड के, वही यहाँ पर भी होंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई और सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैंने पहले भी बताया कि नेक्स्ट वीडियो में फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद थर्ड है डिज़ाइन रिसर्च मेथडोलॉजी। चूँकि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तो हम क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और सर्वे का तरीका यूज़ कर सकते हैं और इनके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डाटा। हम डाटा कलेक्ट करेंगे जो भी हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में हम डाटा कलेक्ट करेंगे। जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, ये जब भी कोई डिफरेंट रिसर्च मेथड यूज़ होता है तो यहाँ पर चेंज आती है, और मैंने इस चेंज को डिफरेंट कलर्स से, जब आप स्लाइड देखेंगे तो डिफरेंट कलर से दिखाया है। उसके बाद वही सेम स्टेप होगा एनालाइज डाटा। जो डाटा मिल गया उसका हम एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम यूज़ कर सकते हैं। इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में भी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में बताऊँगी, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ज़रिए हम कॉन्क्लूजन यानी नतीजा निकालेंगे और फिर रिपोर्ट यानी हम अपना थीसिस लिखेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में डिटेल्ड अंदाज में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये भी मेरी वीडियो में जो है वो मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है स्टेप्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। कोरिलेशनल रिसर्च मेथड जो है इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंटल एनवायरमेंट एंड एकेडमिक अचीवमेंट अमंग मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है या उनके जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसमें टीचर्स के साथ रबते में रहते हैं, तो उस सूरत में मिडिल स्कूल स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है वो बेहतर हो सकती है। पहला स्टेप वही है आइडेंटिफाई रिसर्च टॉपिक। हम पहले एक रिसर्च टॉपिक जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद डिज़ाइन रिसर्च मेथडोलॉजी, यहाँ पर हम रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम या तो पेरेंट्स से क्वेश्चनियर के जरिए डाटा लेंगे या फिर ये कि हम पेरेंट्स से इंटरव्यू करेंगे। जो हमने टूल फाइनल किया है, अगर हम क्वेश्चनियर और इंटरव्यू दोनों टूल फाइनल कर रहे हैं तो उन टूल्स के ज़रिए हम पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चेक करेंगे, उन पेरेंट्स की भी जो कि अपने बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट के लिए इन्वॉल्व रहते हैं और उनकी भी जो इन्वॉल्व नहीं रहते। और उसके बाद ये है कि एनालाइज डाटा, हम उस डाटे को एनालाइज करेंगे। कोरिलेशनल रिसर्च है तो दोनों वेरिएबल्स का जो डाटा आएगा उसमें कोरिलेशन निकालेंगे।
उस कोरिलेशन से हम इस कॉन्क्लूजन पर पहुंचेंगे कि क्या दोनों, यानी वो टीचर वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की अचीवमेंट, अपने बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, क्या उनकी, और जो इन्वॉल्व नहीं रहते क्या उनकी कारकर्दगी एक ही जैसी है या कारकर्दगी में फ़र्क है, और किसकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है। हम ये कोरिलेशन मालूम करेंगे और आखिर में हम रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे, यानी हम अपना थीसिस लिखेंगे। इसके बाद थर्ड है स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैथड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैथड के स्टेप्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन हाई स्कूल इंग्लिश क्लास। हम हाई स्कूल की इंग्लिश क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्क देखना चाहते हैं। अगर हम फ्लिप तरीके से तालिबे इल्मों को पढ़ा रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं क्या हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेहतर हो जाती है। उसके लिए भी सेम वही टॉपिक है जो मैंने, वही प्रोसेस है जो मैंने पहले स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स में बताया था। सबसे पहले आइडेंटिफाई अ रिसर्च टॉपिक, रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी डिज़ाइन करेंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ये एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें तालिबे इल्मों को अगर हम फ्लिप तरीके से पढ़ा रहे हैं तो हम पहले उनका टेस्ट ले लेंगे और जब हम पढ़ा चुकेंगे उसके बाद भी टेस्ट ले लेंगे, और साथ में एक ग्रुप होगा जो ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ रहा होगा, और फिर हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि तालिबे इल्मों ने जब वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे थे तब उनका रिजल्ट क्या था और फ्लिप तरीके से क्या रिजल्ट रहा। और कंट्रोल ग्रुप सिर्फ इस तरह है कि वो अगर एक ही ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सेम ही रहेगी, पहले भी, प्री टेस्ट में भी और पोस्ट टेस्ट में भी। प्री टेस्ट पहले टेस्ट देना है ट्रीटमेंट से, और पोस्ट टेस्ट ट्रीटमेंट के बाद टेस्ट लेना है। उसके बाद है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इसमें हम प्री टेस्ट नहीं करते, यानी तालिबे इल्मों को हम चेक नहीं करते कि अगर हम उनको किसी नए टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लिप टीचिंग मेथड से, तो हम उनके बारे में नहीं चेक करते कि उन्हें पहले कितना आता है, तो हम उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें किसी तरीके से पढ़ाते हैं और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट के बाद उनका रिजल्ट चेक कर लेते हैं और ये फाइनल करते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद, यानी पोस्ट टेस्ट, यानी जब उन्होंने पढ़ लिया फ्लिप टीचिंग मेथड से, तो उनका स्कोर क्या रहा। और साथ में एक कंट्रोल ग्रुप होता है, उसको हम सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ाते हैं और हम उनका भी टेस्ट ले लेते हैं, और जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया गया है उसके स्कोर में और जो फ्लिप मेथड से पढ़ाया गया अगर फ़र्क आता है तो इट मींस के जो मेथड ज़्यादा बेहतर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बाद कि हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और हम फिर उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके, यानी फ्लिप टीचिंग मेथड का जो तरीका है उसको तालिबे इल्मों को पोस्ट टेस्ट में पहले पढ़ाते हैं और फिर उनका पोस्ट टेस्ट लेते हैं। तो ये डिज़ाइन है, एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये होता है कि हमें जो भी क्लास अवेलेबल हो जाती है, हम ये कोशिश नहीं करते कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट जो है वो एक जैसी काबिलियत के हों, एक जैसी अहलियत के हों। हमें जो भी स्टूडेंट मिलते हैं हम उनको दो ग्रुप्स में तकसीम कर लेते हैं। नाइन्थ के दो सेक्शन है हमारे पास, तो नाइन्थ के ए सेक्शन को हम फ्लिप टीचिंग मेथड से पढ़ा देंगे और बी सेक्शन को हम जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाएंगे और फिर बाद में जाके पोस्ट टेस्ट कर लेंगे। यानी इसमें हम ये नहीं करते कि जो स्टूडेंट हैं उनकी काबिलियत एक जैसी होनी चाहिए, ताकि जब पोस्ट टेस्ट में कोई फ़र्क आए तो हमें ये पता चले कि ये फ्लिप टीचिंग से आया है या तालिबे इल्म पहले से ही काबिल थे।